बहुत काफी कुकरे पपी बनके तैयार है दोस्तों। तो इस तरह से पपी आज बनाने चल रहे हैं। तो दोस्तों मात्र 5 मिनट में पपी मूंग दाल की बना सकते हैं आप लोग। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करते हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माता दी भी हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। जैसे देख रहे हैं कि आज अपने किचन में चल रहे हैं, जैसे देख रहे हैं रक्षा बंधन आ गया है दोस्तों। तो अपने किचन में कुछ अलग तरीके के पपी बनाएंगे यार। तो चाय के साथ में मेहमानों को कैसे आप दे सकते हैं, बहुत आसान तरीका बनाना है, मात्र 3 चीज से उबल के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे डालेंगे हम, इसमें देख रहे हैं कि आटे ले लिए, आटे को चाल लिए हैं। उसके बाद डालेंगे कसूरी मेथी, उसके बाद डालेंगे जीरा। इसमें जीरा डालने के बाद डालेंगे इसमें हम तिल्ली, सफेद तिल्ली है। उसके बाद डालेंगे कुटी हुई मिर्ची, काली मिर्च है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम चाट मसाला, जाके चटपटे हमारे पपड़ी बने। यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार से इसमें नमक हम। अच्छे से इसमें मिला ले रहे हैं। मिलाने के बाद से यहाँ पे इसमें डालेंगे तेल। तेल डालकर अच्छे से इसका मोयन करेंगे। टोटल हम 4 चम्मच तेल इसमें हम डाल दिए हैं। अब अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कर लिए हैं, तो अच्छे से मोयन इसका दे लिए हैं। यहाँ पे मूंग दाल की पपड़ी आज बना रहे हैं हम। तो मूंग दाल को जैसे देख रहे हैं हम 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मूंग दाल को इसमें हम डाल दे रहे हैं। आपको तुरंत बनाना है तो आप क्या करिए, गुनगुना पानी करके उसमें मूंग दाल को भिगो दीजिए 1 घंटे के लिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। अब इसको मूंग दाल को अच्छे से मिलाएंगे इसमें। इसमें बिल्कुल कम पानी लगेगा। मूंग दाल को देखिए इस तरह हम डाल के पहले अच्छे से इसमें मिला ले रहे हैं। फिर पानी डालकर हम डोको तैयार करेंगे। इसमें एक साथ पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पानी डालना है आपको। इसका डो जो बिल्कुल आपको टाइट रखना है, ढीला डो रोटी के जैसे बिल्कुल नहीं रखना है इसको। आपको ऐसे पानी लगाना है इसमें ताकि सारे आटा इसमें जैसे आपका गुलिया जाए। इसको डिब्बे में भर के रख देंगे आप महीने दिन के लिए स्टोर करके, तभी ये बहुत काफी टेस्टी पपड़ी बनेगा और खराब नहीं होता है बिल्कुल। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि बरसात के मौसम में पपड़ी खराब हो जाएगा, तो नहीं होगा। इस तरह से पपड़ी तुरंत बनाए, मूंग दाल की तुरंत खाएं आप लोग। अब इसमें थोड़ी सी पानी और डालेंगे हम। मसल मसल के इसका डो हम बिल्कुल चिकना कर दे रहे हैं। देख रहे हैं इस तरह में अभी नमकीन हम छाने हैं, तो इस तरह ये तिलहा है, यहाँ पे रख रहे हैं तेल वाली करिया है, इसमें हम तेल डाल दे रहे हैं। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे हम गोले तोड़ेंगे, ज्यादा बड़ा गोला नहीं तोड़ना है आपको। इसको बिल्कुल चिकना गोले को नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखें डो को हम हल्के हल्के हाथ से किए। अब इसे आपको लगाना हो तो तेल लगा सकते हैं आप, थोड़ी सा तेल इसमें से लेकर लगा ले रहे हैं। बस इस तरह से आपको कर देना है। एक खरबिदर होगा तो कोई बात नहीं है, पपड़ी खरबिदर थोड़ा रहता है मूंग दाल की। अब इसको हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से, तो इस तरह से देखिए हम दबाएंगे पपड़ी को। अब इस तरह से पपड़ी को हम रखते जाएंगे। फिर इसको देखिए इस तरह से हम दबा दे रहे हैं। एक मोटा रहेगा तभी कोई बात नहीं, आपको पतला बेलना चाहते तो बेलन भी बेल सकते हैं आप इसमें। दोस्तों इसको पतला बेलना चाहते हैं आप
तो देखिए इसको क्या करिए, आप थोड़ा सा मोटा लिए हैं तो मोटा वाला पपड़ी अच्छा लगता है। इसको बेलन से बेलना चाहते हैं तो पहले एक बार क्या करिए, इस तरह से आप गोले बनाइए, इसका हल्के हाथ से गोले मिट्टी बनाना है और उसके बाद तेल इसको लगा लीजिए। पपड़ी को अच्छे से बेल के आप गिलास से भी काट सकते हैं। तो गिलास से भी आपको काट के हम दिखा रहे हैं अभी। अब इसको देख रहे हैं बेलन से, इसमें बेलेंगे पहले, इसको जैसे बेलना चाहते हैं उस तरह से बेल सकते हैं आप। ये आरी फट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप गोल सेप इसका बिल्कुल देना चाहते हैं तो इस तरह से बेलन से हल्के हल्के बेलना है आपको। इसको चारों तरफ से इस तरह से हम बेल लेंगे। अब इसको यहाँ पे गिलास लिए हैं, देखिए बिल्कुल गोल से आप काटना चाहते हैं इस तरह से काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद हम इसको हटा लेंगे, हम रखते जा रहे हैं। निकल गया है अपना पपड़ी, बना लिए हैं जितना हम पपड़ी को बना ले रहे हैं। मीडियम आंच बिल्कुल गैस को करना है आपको। तीसरे पपड़ी को हम बना रहे हैं मीडियम आंच पे, चारों तरफ से इस तरह से हम चलाएंगे पपड़ी को, इस तरह से पलटते जाएंगे हम। बिस्कुट जैसे पपड़ी बन रहा है छोटे साइज में, तो डिब्बा में इसको रख सकते हैं, बड़े साइज बनाना चाहते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पे टिफिन थाली के ढक्कन लिए हैं, तो रोटी जैसे बेल के इस तरह से आप काट सकते हैं। देखिए हम पपड़ी को निकाल रहे हैं इस तरह से, तो दोस्तों देख रहे हैं बहुत काफी अच्छे बन के तैयार है और खस्ते कचरे यहाँ पे बन के देख रहे हैं पपड़ी तैयार हो चुका है। तो अब बड़े साइज में आपको बना के दिखा दे रहे हैं एक बार डाल के इसमें। एक बार में तीन पीस यहाँ पे हटा रहा है, देखिए तीन पीस डाल दे रहे हैं हम। इसको मीडियम आंच पे इसी तरह इसको भी पकाएंगे। जैसे देख रहे हैं बिल्कुल मछली की स्वाद की बनता है, अब बहुत काफी टेस्टी बनता है पपड़ी हमारा। तो देखिए बनके तैयार है, अब इसको प्लेट में रखते हैं। इसका भी देख रहे हैं कलर बहुत काफी अच्छा है, बिस्कुट जैसे देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से हम सारे बना रहे हैं, आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं इतनी सारी हमारी पपड़ी बनके तैयार है दोस्तों। तो इस तरह से पपड़ी जरूर बनाए, बरसात के मौसम हो चाहे जब भी मेहमान आते हैं बना के आप कर दीजिएगा दोस्तों। तो मछली के स्वाद की पपड़ी लगता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगता है सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, एक लाइक करके जाइए दोस्तों। तो चलिए फिर हम आप लोग से इसी तरह बनाकर सारे फिर मिलते हैं।